मोदी अगेन पीएम के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और इसी के चलते पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमीरपुर के बड़ू में मिशन मोदी अगेन पीएम का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन मोदी अगेन पीएम डॉक्टर रामविलास वेदांती ने शिरकत की और इस अवसर पर राज्यसभा सांसद ठाकुर अमन सिंह और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राम गोपाल काका, प्रदेशाध्यक्ष राकेश पठानिया, विधायक नरेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। मिशन मोदी अगेन पीएम मिशन के तहत पूरे देश भर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि दोबारा से पीएम मोदी को बनाया जा सके। अभियान के तहत हर बूथ पर 11 मोदी के कार्यकर्ता खड़े रहेंगे और हर संसदीय क्षेत्र में 11,000 कार्यकर्ता काम करेंगे। समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि और अन्य लोगों को स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित किया गया। राम मंदिर बनाने के मुद्दे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा कि आगामी कुछ दिनों में अयोध्या में राम मंदिर के लिए अच्छी खबर मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर विवाद के लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं जो कि झगड़े को करने के लिए लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए पीएम मोदी मुद्दे को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी बाबर के नाम पर मस्जिद कभी बनने नहीं देंगे। डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा कि राम मंदिर विवाद पर अंतिम परिणाम कुछ दिनों में आने वाला है और भारत से विश्व को शांति का संदेश देना चाहते हैं और विश्व से आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, जिसके चलते ही पीएम मोदी को दोबारा से पीएम बनाने का बीड़ा उठाया है। मिशन मोदी अगेन पीएम के माध्यम से हम सारे देश के लोगों को जागृत कर रहे हैं, जिससे 2019 में नरेंद्र मोदी भारत के पुनः प्रधानमंत्री बने। इसके लिए हमारी भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो इनसे जुड़े हुए हैं तथा जो नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए मिशन मोदी अगेन पीएम चला है। हर लोकसभा में 11,000 मोदी कार्यकर्ताओं खड़ा करना है, हर बूथ पर 11 मोदी के कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, ये अभियान चला है। इसके तहत हम सारे देश के हर प्रांतों में घूम रहे हैं और सब जगह जा करके लोगों को जागृत करते हैं। हर बूथ पर 11 मोदी और हर लोकसभा में 11,000 मोदी कार्यकर्ता खड़े होकर के 2019 के चुनाव में मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाए। सर, आपके मिशन के यहाँ पे एक डिमांड बनने जा रहा है, 2019 के चुनाव से पहले ही मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर बैठ चुके हैं और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भावना के आधार पर हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर इस देश में सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं, सांप्रदायिकता के विरोध में राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिकता से अलग होकर समाज के हर वर्ग के लोगों को लेकर के हम मंदिर निर्माण करना चाहते हैं। मुसलमान भी चाहता है अयोध्या मंदिर बने। कई मुसलमान तो ईंटा, चूना, गारा लेकर, सीमेंट लेकर, कारीगर लेकर अयोध्या गए कि हम सुन्नी बब बोर्ड के हैं, हम सिया बब बोर्ड के हैं, हम अयोध्या मंदिर बनाना चाहते, बनाए दिया जाए। कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों के भड़कापे पर, पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा भारत के कुछ ऐसे आतंकवादी हैं जिनको पैसा दिया जाता है कि जानबूझकर तुम लड़ाई लड़ते रहो, झगड़ा करते रहो, जिससे मुद्दा बना रहे। उस षड्यंत्र को नरेंद्र मोदी समाप्त करना चाहते हैं। ये मुद्दा ही सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, इसलिए हम मंदिर निर्माण चाहते हैं। मस्जिद के विरोधी नहीं है, लेकिन बाबर आतंकवादी था, डकैत था, लुटेरा था, विदेशी था। हम विदेशी बाबर के नाम पर इस देश में मस्जिद नहीं बनने देंगे। मंदिर बने तो खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कुरान की आयतों के अनुसार पर मस्जिद बने, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन आतंकवादी के नाम पर मस्जिद बने, इसका खुलकर मैं विरोध करूंगा और देश की जनता विरोध करेगी। इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने, इसका हम स्वागत करेंगे। अभी वार्ता चल रही है, आपसी समझौते की वार्ता चल रही है और मैंने वार्ता का परिणाम ही बता दिया कि कुछ समस्याओं का समाधान वार्ता से हल हो चुका है। अब अंतिम परिणाम कल परसों तक आ जाएगा, जो आप सबको पता चल जाएगा। और हम सब लोग आपस में हिंदू मुसलमान मिलकर भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए, भारत की अस्मिता को बढ़ाने के लिए, भारत से विश्व को शांति का संदेश देना चाहते हैं। हम नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलकर, नरेंद्र मोदी की घोषणा है कि हम विश्व से आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं और जब मंदिर निर्माण प्रारंभ हो जाएगा तो विश्व से आतंकवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। महात्मा गांधी ने घोषणा किया था कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, लेकिन आज़ादी के 70 साल तक शासन करने के बाद कांग्रेस भारत को विश्व गुरु नहीं बना पाया, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन गया है और भारत राम राज्य बनेगा। भारत इस देश के अंदर महात्मा गांधी के सपनों को साकार करेगा। महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी के बाद देश को राम राज्य घोषित किया जाएगा।
कांग्रेसियों ने 70 साल के शासनकाल में राम राज्य घोषित नहीं किया, 5 साल पूरा होने वाला है। 5 साल के बाद जब दूसरा टर्म नरेंद्र मोदी जी का आएगा तो अपने आप भारत राम राज्य घोषित हो जाएगा, जिसमें किसी को कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जाति पाति भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच की भावनाओं से ऊपर उठकर हम सबको साथ में लेकर सबका साथ सबका विकास का जो नारा नरेंद्र मोदी ने दिया है उस आधार पर सबको गले लगाएंगे, सबके साथ में चलेंगे, सबके साथ में रहेंगे। कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया है, जोड़ने का काम नहीं किया। जोड़ने का काम 70 वर्षों के बाद किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सब देश की जनता को आपस में जोड़ना चाहते हैं, आपस में जुड़ करके सब कोई साथ में मिलकर देश का विकास करें, ये मिशन मोदी अगेन पीएम का मुख्य उद्देश्य है। सर जैसे कि बहुत खुशी की बात है कि जो मिशन मोदी पीएम अगेन के कार्यकर्ताओं ने दिया है, ये हमारा भी मिशन है। और जो भी चाहे भारतीय जनता पार्टी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मिशन है कि माननीय मोदी जी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री हुए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी दोबारा फिर भारत के प्रधानमंत्री क्यों है? आप मेहनत कर रहे हैं क्योंकि माननीय मोदी जी के लिए 4.5 साल का कार्यकाल रहा है, ये आप समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, हमारे देश के बॉर्डर सुरक्षित रहे, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, हमारे देश स्वस्थ हो, सभी लोग ईमानदार से काम करें, तो हमें माननीय मोदी जी को द्वारा प्रधानमंत्री बनाना। ये मोदी जी के लिए काम कर रहा और मिशन में जो व्यक्ति मिशन के साथ जुड़ रहा है मिशन उनको मोदी बना रहा है। मिशन जो 2014 में 13 में एक नारा चलता था, हर हर मोदी घर घर मोदी, मिशन उसको पूरा करने के लिए लगा है। और आप भी इस मिशन के साथ जुड़े हैं, आप भी हमारे साथ मोदी बने हैं। इस मिशन का उद्देश्य हर हर मोदी घर घर मोदी, हर घर में मोदी तैयार करना है, हर घर में एक व्यक्ति ऐसा खड़ा करना है हम लोगों को जो देश और समाज के लिए कम से कम 1 घंटे का काम करेंगे। और उसमें से सबसे पहला काम है और जो जिम्मा लिया है मिशन मोदी के कार्यकर्ताओं ने मोदी बनकर, वो सबसे पहला जिम्मा है मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। मोदी जी को दोबारा 2019 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश के अंदर काम कर रहा है मिशन मोदी अगेन पीएम ने 300 लोकसभाओं को चिन्हित किया है। 300 लोकसभा में 17 ऐसे राज्य हैं, स्टेट हैं, जहां मिशन मोदी का कार्य आज खड़ा है। हर लोकसभा में या जिले में 11,000 कार्यकर्ता मिशन मोदी के खड़े हो रहे हैं।